नमस्कार, स्वागत है आपका और एक ज्ञानवर्धक कंस्ट्रक्शन जोन चैनल की वीडियो में। दोस्तों, होता यह है कि घर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक आता है किचन, और जो किचन रूम होती है दोस्तों, तो वो अदर रूम के तरह नहीं होती। वहां पर का जो इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये तो आपको पता होगा। ऐसे किचन के लिए आपको कौन सी टाइल का चुनाव करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। कौन सी टाइल आपके किचन के लिए बेहतर होगी, जिसके कि आप एडवांटेज का फायदा उठा सकते हो, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नया हो दोस्तों, तो क्या कर रहे हो? अगर आप लिविंग रूम में हो या फिर किचन रूम में हो, तो डेफिनेटली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, इस किचन के बारे में आपको थोड़ा सा जनरल में आइडिया आपको दे देता हूं। अब जब हम हॉल में टाइल बिठाते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए होता है कि वहां पर जो है रूम जो आपकी बड़ी दिखे, ब्राइट दिखे, कुछ इस तरह से आपको जो है आपका हॉल भव्य दिव्य दिखे, कुछ इस तरह से आप चाहते। पर किचन में ऐसा नहीं होता दोस्तों। किचन में आप टाइल जो होती है आपकी शो से ज़्यादा यूजफुल होनी चाहिए। अब यूजफुल इन द सेंस किस तरह से होनी चाहिए? अब देखिए दोस्तों, वहां पर बहुत ज़्यादा दाग गिरते हैं, तो ऐसे वक्त में जो है आपको कुछ इस तरह की टाइल चाहिए होती है कि जहाँ पर आपके दाग जल्दी विजिबल ना हो सके और आपको बार बार क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए दोस्तों, जब मैट फिनिश टाइल होती है, उसके डेफिनेटली कलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, और जब भी मैट फिनिश पे कोई भी अगर दाग गिरता है तो वो जल्दी विजिबल नहीं होता। पर कंपेयर करेंगे अगर ग्लॉसी टाइल से, अगर ग्लॉसी टाइल पे कोई भी दाग गिरता है दोस्तों, तो वो जल्दी बहुत दिखाई देता है और उसको आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी ग्लॉसी टाइल होती है तो उसके ऊपर धूल जल्दी विजिबल होती है, तो धूल जल्दी विजिबल होने के वजह से आपको उसे क्लीन करना पड़ता है। मैट फिनिश टाइल जो होती है उस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उसका कलर डार्क होता है और तो और उसके ऊपर जो है धूल जल्दी विजिबल नहीं होती, इसकी वजह से आपको बार बार उसे पोछा मारने की या फिर झाड़ू मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि इसके ग्रिप जो होती है वो ग्लासी टाइल से बहुत ज़्यादा होती है। किचन का एरिया होता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी या फिर ऑयल कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, और ऐसी चीज़ों की वजह से आपके फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको जितनी मैट फिनिश टाइल ग्रिप देगी, उतनी आपको ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल नहीं दे सकती, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे आखिर में मैं आपको बता देता हूँ, अब ये तो डिपेंड हो आप कौन सी कंपनी की टाइल ले रहे हो या फिर किस टाइप की टाइल ले रहे हो, फिर भी अगर आप जनरल कंपैरिजन करें तो ग्लॉसी टाइल से जो है मैट फिनिश टाइल की रेट जो है थोड़ी सी कम होती है, तो इसका भी आपको एडवांटेज आएगा। तो ये फाइनल मैं आपको बता देता हूँ, एक तो अगर आप मैट फिनिश टाइल आपके किचन में लगाते हैं, उसके ऊपर जो है दाग विजिबल नहीं होगे, बार बार आपको उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो और वो फिसलन भरी नहीं होगी, और वो दिखने भी अच्छी दिखेगी, उसका लुक भी अच्छा आएगा दोस्तों। अंत में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम गिर जाएगी, तो इसलिए इस तरह के बहुत से एडवांटेज जो है आपको मैट फिनिश टाइल की तरफ आ जाएंगे। और इस वीडियो में भी आपने देखा होगा दोस्तों कि हॉल या फिर लिविंग एरिया में आपने देखा होगा कि ग्लॉसी फिनिश की टाइल है, पर किचन में जो इस्तेमाल करते हैं मैट फिनिश की टाइल इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है किचन में, खास करके लोग जो है किचन में मैट फिनिश टाइल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब ग्रिप अच्छी होने की वजह से जो है पोर्च में भी खास करके मैट फिनिश टाइल होती है, और बाथरूम का जो बॉटम होता है वहां पर भी एंटी स्किड मैट फिनिश टाइल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो कि रिलेटेड थे मैट फिनिश टाइल की तरफ। अगर आप चाहते हैं डिटेल में कंपैरिजन मैट फिनिश टाइल और ग्लॉसी फिनिश टाइल इन दोनों के बीच में, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं इन दोनों के बारे में, एक सेपरेट वीडियो में जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखेंगे सिर्फ 500 लाइक, आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप डेफिनेटली कर दोगे। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।